अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कोटलिन एंड्रॉयड के अगले लेक्चर में आप सबको खुश आमदीद। इस लेक्चर में हम डायलॉग बॉक्स का आपको डेमो देंगे। ये एक एक्टिविटी है जो हमने जनरेट की है। डायलॉग बॉक्स के बटन पे क्लिक करते हैं, ये मैसेज डिस्प्ले होता है, ठीक है जी। ओके, कैंसिल एंड मे बी का बटन है, ये पॉजिटिव बटन है, नेगेटिव बटन है और ये न्यूट्रल बटन है। ओके, इसको जनरेट करने के लिए ये एक्टिविटी हमने एग्जामल का कोड जनरेट किया है। लीनियर लेआउट है, टेक्स्ट व्यू, बटन और दो बटन लगाए हैं। बटन्स के हमने आईडी दी हैं और ये उसके ऊपर टेक्स्ट है जो डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है जी। अब मेन एक्टिविटी के अंदर इसको रेफर करने के लिए हमने सिंपल कोई भी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट रेफर हो जाएंगे। बटन डॉट btn1 लिखना है, कोई फाइंड बाय आईडी करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि पिछले लेक्चर में हम इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं। सबसे पहले हम ये बिल्डर का अलर्ट डायलॉग डॉट बिल्डर की क्लास के एक वेरिएबल बनाते हैं। उसका कॉन्टेक्स्ट दिस है और थीम उसको जो हमने दी है वो आर डॉट बेस थीम है जी, ऐप कॉम्पैक्ट डायलॉग अलर्ट की ओल्ड स्टाइल डायलॉग की थीम है ये। आप मॉडिफाइड थीम भी दे सकते हैं इसको अपनी मर्ज़ी से बना के। उसके बाद इसी बिल्डर वेरिएबल के फंक्शंस हैं जो कॉल करेंगे, सेट टाइटल, सेट मैसेज। ये टाइटल और मैसेज सेट कर देगा, पॉजिटिव बटन, नेगेटिव बटन और न्यूट्रल बटन। ये बटन उनके हमने टेक्स्ट सिर्फ दिए हैं लेकिन लिसनर, क्लिक लिसनर कोई नहीं दिया, उनको हमने ज़्यादा नल पास कर दिया, ठीक है जी। अगर हम इस नल की बजाय यहाँ पे एक लिसनर हम ऐड कर देंगे तो उससे क्या होगा कि उस क्लिक पे कोई इवेंट जो आप हैंडल करना चाहते हैं वो आप उसका लिसनर का रेफरेंस आप यहाँ पे पास करेंगे तो उस बटन के क्लिक करने पे वो इवेंट या वो फंक्शन कॉल हो जाएगा। लेकिन फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम इसको नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बिल्डर का एक वेरिएबल हमने क्रिएट कर लिया। अब इस वेरिएबल को हमने सिर्फ कॉल करना है तो उसका शो का फंक्शन कॉल करेंगे तो ये डायलॉग बॉक्स जो है वो शो हो जाएगा, ठीक है। तो इसको जब हम रन करेंगे तो ये इस तरह से आपके पास ओपन हो जाएगा, ठीक है। डायलॉग बॉक्स पे क्लिक किया, ये टोस्ट का मैसेज जो हमने डिस्प्ले किया है, सारा टोस्ट आ जाता है। इसके देखिए एक्सटर्नल पे क्लिक करते हैं तब भी ये डायलॉग कैंसिल हो जाता है, ये ऑन कैंसिल है, ये भी एक किस्म का कैंसिल करने का इसको तरीकेकार है इसका, ठीक है जी। एक्सटर्नल किसी भी जगह पर हम इसको क्लिक करेंगे तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम इस डायलॉग बॉक्स को मज़ीद एक्सटेंड करेंगे और देखेंगे कि हम डायलॉग बॉक्स के साथ क्या क्या मज़ीद काम कर सकते हैं। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।